देश कहीं जाए, इनको चाहिए फ्री में अनाज और कुछ नहीं चाहिए, खाली फ्री में अनाज चाहिए। 5 किलो अनाज बताइए किस कितना दिन आदमी खा लेगा, 5 किलो फ्री में दे रहे बताइए किसे देंगे। इससे भैया रोजगार दे, बढ़िया कार दे, यहाँ पे रोजगार दे ही रहेगा, खाली 5 किलो फ्री में अनाज दे हो जाएगा, विकास हो जाएगा इसी का, इसी को विकास कहते हैं। आप बताइए 5 किलो साहब, ये बताइए 2 महीना में एक बार मिलता था राशन अखिलेश के जमाने में, इस समय 15 दिन में महीने में 2 बार मिल रहा है, 5 किलो मिला। हाँ 15 दिन इधर 15 दिन उधर मिलता, झूठ बोलेगा खाली कोई जगह तो ही ना भाग जा, झूठ झूठ बोलेगा तो ही ना भाग जा, महीने में 5 महीना मिलता कहा ना मिलता था। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ आयुष द्विवेदी। गोरखपुर लाइव की टीम फाजिल नगर विधानसभा के बहुच मोड़ पे है, हम 403 विधानसभा का कवरेज हम लोग कर रहे हैं। यूपी के लोग चाहते क्या हैं, यूपी के किसान क्या चाहते हैं, यूपी के व्यापारी क्या चाहते हैं, हम लोगों से राय जानना है। 2022 का चुनाव सामने है, माहौल क्या है। गंगा सिंह कुशवाहा यहाँ के विधायक हैं, लेकिन उम्र के वजह से उनका टिकट कट गया है और उन्हीं के बेटे सुरेंद्र कुशवाहा जी को टिकट मिला। अब देखना है कि माहौल क्या है। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार मिश्रा। मनोज कुमार मिश्रा जी, 2022 का जो है माहौल क्या है इस समय फाजिल नगर का? यहाँ जो है बीजेपी हार जाएगी चुनाव, बीजेपी हार जाएगी मिश्रा जी, इसलिए कि उम्मीदवार अच्छा नहीं है। अच्छा। बीजेपी वालों ने जो उम्मीदवार को टिकट दिया है वो उम्मीदवार सही नहीं चुना है, उस उम्मीदवार को बदल करके किसी उम्मीदवार को लावे बीजेपी चुनाव जीत जाएगी। तो आपके हिसाब से मतलब आप, हमको लग रहा है बीजेपी के समर्थक हैं लेकिन जो है नाराज हैं जी? बिल्कुल। किसको मिलना चाहिए था? किसी को मिले, बीजेपी जीतेगा कौन? बीजेपी में किसी को मिल जाए। अब क्या होगा फिर? अब तो टिकट मिल गया है, अब क्या होगा इसके बाद? अभी इसके बाद अगर ये नहीं टिकट नहीं चेंज होता भाई, मैं नहीं, नहीं, टिकट का तो निर्धारण हो चुका है ना बीजेपी से हो चुका है ना, अन्य दलों का नहीं हुआ, अन्य दलों का नहीं हुआ है। तो लग क्या रहा है कि अगर सुरेंद्र कुशवाहा जो का जो टिकट मिला है वो ठीक नहीं था क्या? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बस बात है ना, वंशवाद है। आप वंशवाद के खिलाफ आप कहते हैं, बीजेपी के लोग कहते हैं, बीजेपी के लोग कहते हैं कि वंशवाद के खिलाफ मैं हूँ, तो ये भी तो वंशवाद है, ये भी तो वंशवाद है। सरकार का काम कैसा रहा? सरकार का काम बेरोजगारी में फेल है, महंगाई है, ये सब तमाम चीज़ें हैं जो सरकार फेलोर है इस मामले में। प्रोविंशियल सरकार जो है इस मामले में फेल है। तो क्या लग रहा है कि अखिलेश यादव की वापसी हो जाएगी? हो सकता है क्या भैया? है? अब इसकी गारंटी तो नहीं ली जा सकती है, लेकिन उनका कर्णधार अच्छा रहेगा, जनाधार उनका अच्छा रहेगा। आप बताइए, मुस्कुरा रहे हैं कि फाजिल नगर का सबसे ज्वलंत मुद्दा क्या है? विकास नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है, विकास नहीं है। एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ गंगा सिंह कुशवाहा वर्तमान विधायक है, इसके पहले विश्वनाथ सिंह हुआ करते थे, एक समय ऐसा है कभी गंगा कभी विश्वनाथ, इसके अलावा फाजिल नगर कभी कुछ सोच नहीं पाया क्या? नहीं सोच के आदमी यहाँ सोचता है कि विकास हो, कुछ काम हो। पहले यहाँ की चर्चा है कि विश्वनाथ सिंह के लड़के भी दावेदारी किए हैं सपा से, तो फिर सुरेंद्र कुशवाहा बनाम विश्वनाथ सिंह के लड़के, तो ये चीज फाजिल नगर से लगातार चलता आया है। जी जी, हो सकता है कि विधायक जी के लड़के का टिकट मिल जाए। अब तो टिकट पर निर्भर करता है किसको मिलता है ना, ये तो पार्टी तय करेगी ना सपा की, कि किसको टिकट देगी, अब किसको नहीं देगी। अब यहाँ जो प्रत्याशी है तो क्या एकदम एक तरफा है? अभी तो एक ही ना भाजपा का प्रत्याशी है, तो भाजपा का प्रत्याशी जो है वो लोगों का कथन अनुसार ठीक नहीं है, अब जैसा भी हो। आप बताइए जी, यहाँ राशन वोशन की जो स्थिति है वो बेहतर थी? राशन बेहतर है, लेकिन मान लीजिए क्या है, राशन देने से घर से राशन अपने घर से कोई दे रहा है क्या? ओपीएस कर्मचारियों को ओपीएस चाहिए, शिक्षा मित्रों को उनका उचित सम्मान चाहिए। सरकार क्या बोल रहे हैं? लाइट की इतनी बड़ी समस्या है यहाँ पे, लाइट नहीं आती। वो तो कह रहे हैं बिजली की समस्या समाप्त हो गई। कहाँ समाप्त हो गई सर? हम लोग शिक्षक हैं, हम यहाँ पे आए हुए हैं, लाइट नहीं आती है, पूरा दिन लाइट गायब हो जाती है यहाँ पे। फाजिल नगर की? जी फाजिल नगर की लाइट की बहुत समस्या है यहाँ पे। सरकार तो कह रही है बेहतर हो गई क्या? अखिलेश के जमाने तो रात में आता था, रात ही में चला जाता था, इसमें इतना लाइट का व्यवस्था है, उसमें कहीं देखिए कहाँ व्यवस्था नहीं है। अब कह रहे हैं, आप कह रहे हैं बिजली व्यवस्था करावे, दिन में भी रहता है लाइट, आप कह रहे हैं कि लाइटें नहीं है? नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं उन्हीं को कह रहे हैं कि लाइट नहीं रहता है।
अब कितना लाइट चाहिए, 18 घंटा सुपर लाइट मिल रहा है। अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं ट्रांसफार्मर जरने के बाद 2 महीना में आता था, ये आज 2 दिन में 3 दिन में चला आता है। हाँ गलत आरोप है, विद्युत व्यवस्था एकदम पूर्ण रूप से सही है। पिछले सरकार में हम लोग 100 के फोन को चार्ज में लगाते थे और रात को बस यही सोचते थे कि लाइट आ जाए और फोन चार्ज हो जाए। आज ये परिस्थिति नहीं है। दूसरे में कोरोना काल में गवर्नमेंट ने जितना सहयोग किया किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया, मुफ्त अनाज दिया, हर घर जाके भाजपा के हर कार्यकर्ता हर गांव में गया। आप कोई राजनीतिक पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं गया, बिल्कुल रोजगार दिया जा रहा है सर। अब कैसे रोजगार, आप योग्यता लाइए रोजगार लीजिए, रोजगार कोई पैसा रोजगार होगा, पैसे पे रोजगार नहीं दिया जा रहा है ना। खाना खाएगा, खाने के लिए कोई सोचेगा कहाँ से होगा, बोल रहे हैं रोज रोज पढ़े हैं कुछ, कितने लोग डिग्री ले घूम रहे हैं कितने लोग डिग्री घूम रहे हैं, आप कह रहे हैं पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे एस्टेब्लिश लोग रोजगार मिले, बिल्कुल बिल्कुल, कितने लोग डिग्री लेके। मैं ये कह रहा हूँ शिक्षक भर्ती देख लीजिए आप कितने निष्पक्ष तरीके से हुआ है, उसका प्रमाण आपके सामने है। 69,000 भर्ती बोलने से नहीं होगा, बहुत लोग डिग्री ले घूम रहे हैं, किसी को नहीं मिल रहा है नौकरी। जो नौकरी आज 5 साल में कभी जो हुआ है अखिलेश की सरकार में जो हुआ है, चाहे मायावती सुखिया, वो 5 साल के अंदर कभी कुछ नहीं है। ये राशन देने से, ये राशन पहले नहीं मिला, अभी 4 महीने से मिल रहा है, उसके पहले कहाँ था राशन। आप बताइए, रुक जाइए, आवश्यकता आपको नहीं है तो राशन की महत्व को आप नहीं समझेंगे, आवश्यकता आपको नहीं है तो राशन की महत्व। गरीब लोगों से पूछेगा राशन का कितना आवश्यकता है, मिलेगा। 70 साल में जो बिगड़ा हुआ है अभी बीजेपी उसको सुधार रहा है। बीजेपी के कुछ समर्थक बीजेपी के कुछ समर्थक हैं वो कह रहे हैं टिकट सही नहीं मिला है, वंशवाद को बीजेपी बढ़ावा दे रही है। इससे भाजपा का हर कार्यकर्ता उदास है। 10 साल से गंगा सिंह कुशवाहा हमारे विधायक थे, 10 साल में उन्होंने काम कोई नहीं किया है। बस विधानसभा में 83% उपस्थिति थी लेकिन एक प्रश्न आज तक उन्होंने फाजिलनगर की जनता की तरफ से नहीं पूछा है, ये निंदनीय है। बस विधायक पसंद नहीं है, योगी पसंद है नहीं। हाँ बिल्कुल है? योगी और मोदी का कार्यकाल बहुत पसंद है, विधायक पसंद नहीं है। प्रत्याशी कोई अलग हो सही है, हम समर्थन करते हैं। अगर इनके अलावा अच्छा बताइए, सुरेंद्र कुशवाहा अगर लड़ेंगे चुनाव, टिकट तो की घोषणा हो चुकी है लगभग। सर सुरेंद्र कुशवाहा का हम लोग आज तक चेहरा ही नहीं जानते, वो कैसे लड़ेंगे तो क्या होगा पता नहीं, कोई नहीं जानता। देखिए हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, जोगी जी को कोई भी हराने के लिए बहुत मुश्किल है। पता है आरपीएन सिंह के आने से बीजेपी में आने से हम ज्यादा नहीं बोलेंगे। देखिए आरपीएन सिंह के हम लोगों को बीजेपी से मतलब नहीं, योगी मोदी से मतलब है। योगी मोदी हाँ, देश की रक्षा हो, जनता की रक्षा हो, हाँ और क्या चाहिए। रोड सही है, बिजली सही आ रहा है, राशन पानी सही मिल रहा है, अब क्या चाहिए। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं देश कहीं जाए, इनको चाहिए फ्री में अनाज और कुछ नहीं चाहिए, खाली फ्री में अनाज चाहिए। 5 किलो अनाज बताइए किस कितना दिन आदमी खा लेगा, 5 किलो फ्री में दे रहे बताइए किसे देंगे। इससे रोजगार दे, बढ़िया कार दे, यहाँ पे रोजगार दे ही रहेगा, खाली 5 किलो फ्री में अनाज दे हो जाएगा, विकास हो जाएगा इसी का, इसी को विकास कहते हैं। आप बताइए 5 किलो अनाज से बिगाड़ होगा, आप ही जवाब दे दीजिए। बिल्कुल अच्छा ये बताइए आपको उसकी कमी महसूस नहीं हुई, वो रिक्शा चलाने वाला कोरोना लग, सुनिए पहले बात सुन लीजिए, लॉकडाउन में पहले बात सुन लीजिए, क्या रिक्शा वाले से गरीब से पूछिए, पहले बात रिक्शा वाले से पूछिए जाके, रिक्शा वाले से पूछिए वो 5 किलो अनाज क्या कर लेगा लेकर। उस एक लॉकडाउन है, सुनिए पहले बात को, अभी कुछ दिन पहले लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन में सब लोग घर में बैठे रहे, सबका रोजगार बंद हुआ, दुकानदार हुआ चाहे कोई भी हो व्यक्ति घर में था, उस रिक्शे वाले की पीड़ा को कौन समझा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने समझा। नए कर्मचारी 2005 वाले या अपनी भूल सुधारे, अन्यथा सरकार कर्मचारियों का मूड अखिलेश के साथ। अंतिम पैदान अच्छा क्या नाम है, अख्तर हुसैन। अख्तर हुसैन सरकार ठीक काम करती है, सरकार कैसन काम करती है। सब सरकार जोन करता तो नहीं हो करती है, कमा खाती है कमा खा कर सब ठीक बा। कोई आज आपसे कही बात हम पूछना चाहते हैं, दूसरा नहीं कि सरकार बुरा हो या अच्छा हो, कोई भी राजनीति में आता है इस वक्त, रुकिए साहब, कमाने के लिए आता है कि सेवा करने के लिए, आप सेवा करने के लिए तो कौन सेवा कहाँ किया है बताइए आप। हाँ बताइए बताइए, इधर आ जाइए इधर। इस सरकार में सबसे गलत नीति है, 5 साल में इस बगौ चौराहे पे इसको कैमरा में दिखाइए, व्यापारियों पर कोई ध्यान नहीं है, यहाँ के व्यापारी भूखमरी के कगार पर हैं, यहाँ डेली जांच होता है, डेली हर वक्त हर दिन। सबसे गलत काम यह है, मान लीजिए यहाँ इस समय देखिए मालूम पड़ रहा है कि कश्मीर में कश्मीर का बॉर्डर बना हुआ है,
यहाँ व्यापारी शाम को इस ठंड में कोई युवक ही आएगा ना बाजार करने, बूढ़े लोग तो आएंगे नहीं, नया लड़के आ रहे हैं, नया लड़के डर के मारे आ नहीं रहे, सारा व्यापारी घूम रहे हैं, खाली पड़ा है सारा दुकान। डर किस बात की है? पुलिस चेकिंग डेली होता है यहाँ, चेकिंग आपके सामने हो, अच्छी बात है ना? अच्छी बात है, डेली एक ही जगह चेक होगा। अच्छा, एक ही जगह चेक होगा? हाँ, डेली यही चेक होगा, आगे थोड़ा मोड़ पे होता है, आगे उधर खाली जगह है छठिया में होता, डेली बहुत चौराहे पे ही होता है। चलिए, आप सरकार के काम से खुश है? एकदम खुश है सर, दारू पीने के लिए पैसा है, लोग कहते हैं कि मोदी गरीबी दे दिए हैं, गरीबी कहाँ से है, दारू पीने के लिए लोग के पास पैसा है, वो क्या करे लॉकडाउन में, वो भी परेशान है, वो भी दिक्कत में है, वो भी कोई भी और सरकार है। 5 किलो आवाज जो मिला है ना जी, ये फ्री का धंधा है, मोदी जी या योगी जी गलत कर रहे हैं? नहीं, गलत नहीं कर रहे हैं, सबको दे रहे हैं ना। है? क्या भैया जी? भैया आप बताइए, इनके जवाब दीजिए। 5 किलो अनाज वाला मामला, 5 किलो अनाज हम भी मार रहे हैं, 5 किलो अनाज दे रहे हैं, लेकिन ये बताइए 5 किलो अनाज से इनका कहना है क्या हो रहा है? 5 अनाज काम चल जाएगा? चलिए आप चलिए जहाँ जहाँ बढ़ रहा है वहाँ पूछिए, क्या उतना लोग खुश है 5 किलो अनाज से? हम मार रहे हैं कि जो 5 किलो अनाज दे रहा है वो सही है, लेकिन 5 किलो खुश अनाज है क्यों नहीं बिका? अनाज दे रहा है इस समय देश में, अब चाहे उत्तर प्रदेश में कोई महामारी आया है, कोई भुखमरी आया है, क्या जरूरत है साहब? ये बताइए, 2 महीना में एक बार मिलता था राशन अखिलेश के जमाने में, इस समय 15 दिन में महीने में 2 बार मिल रहा है। हाँ, 15 दिन इधर 15 दिन उधर, झूठ बोलेगा खाली, कोई देगा तो बढ़ जा, झूठ झूठ बोलेगा तो बढ़ जा, महीने में 5 महीने मिलता काहे ना मिलता था? आप बताइए आप युवा हैं, रोजगार की क्या स्थिति है? सरकार दावा कर रही है रोजगार मिल रहा है, बहुत बढ़िया है इधर, एकदम चकाचक है, सब ठीक है, सब ठीक है। टिकट वा ठीक मिला है? नहीं, टिकट तो नहीं ठीक मिला है, टिकट जो प्रत्याशी है बीजेपी का वो पसंद नहीं है, बाकी सब कुछ ठीक है, कुछ भी। हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक नीति होती है, उसके थ्रू भारतीय जनता पार्टी ने जो भी प्रत्याशी नियुक्त किया है उसका समर्थन करेंगे, सहयोग का पूरा भारतीय जनता पार्टी वोट करेंगे। चलिए, नगर विधानसभा के लोग, इनका साफ कहना है 2022 के विधानसभा चुनाव में मिला जुला सारा समाजवादी पार्टी के लोग थे, उनका कहना है कि सत्ता का परिवर्तन होगा, वहीं कुछ बीजेपी के समर्थक थे, उनका कहना है कि बीजेपी एक बार फिर से दोबारा सत्ता में आएगी। ऐसी इन खबरों के लिए आप देखते रहिए गोरखपुर लाइव, हमारा कार वहाँ किसी अन्य विधानसभा में जाएगा, तब तक के लिए।